इधर तो कुछ भी नहीं है। अभी है तो सही, पत्नी उनका है भी कि नहीं? नाम तो उनका लिखा है। चलो फोन करके देखती हूँ। हेलो। हेलो सुनिधि, फोन ना रख रहे, मैंने बड़ी मुश्किल से नंबर ढूंढा है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ओके? लेकिन क्यों जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने कहा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ओके? मेरी अपनी बहुत उलझने हैं सर। लेकिन मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? अरे तो रहना पड़ेगा ना यार। रहना पड़ेगा सहर, ठीक है? बात समझने की कोशिश करो, काफी बिगड़ चुके हैं हालात। आपने तो कहा था कि आप सब कुछ ठीक कर लेंगे। कुछ ठीक नहीं होगा सहर, कुछ भी नहीं। तुम्हें उससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा क्या है? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा। सर मुझसे बहस मत करो, और आइंदा ऑफिस में फोन करने की जरूरत भी मत करना, समझी तुम? सुनिए, तो आज फिल्जा आ ही गई। उसके समर स्कूल का आज आखिरी दिन था ना, इसलिए। ये तुमने सारी जिम्मेदारियां खुद क्यों उठाई नहीं? आस्क हुमर टू डिस्ट्रीब्यूट हिज चाइल्ड्स रिस्पांसिबिलिटीज एटलीस्ट। अब वो ऑफिस से भाग भाग के तो नहीं करेगा ना ये सब कुछ? ओ कोमल, तुमने भी ना उमर को बिल्कुल बच्चा बनाया हुआ है। तुम समझते हो वो कुछ कर ही नहीं सकता? वो चालाक आदमी है तुम्हारा शौहर। अब इतना भी तेज नहीं है, ये डिपेंड्स ऑन मी अ लॉट। हाँ घर का सरबरा वो है, लेकिन मलका तो मैं ही। हाँ, तुम ही हो घर की मलका, मगर मर्द की जात से वफा मुश्किल ही है। ये मैं नहीं कह रही, गालिब कहते थे। देखो वफादारी एक अलग बात है, गलती एक अलग बात है, और गुनाह वो तो बिल्कुल ही अलग बात है। मर्द ये तीनों चीजें बगैर सोचे समझे कर जाता है।